नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, कैन बी फाउंड ऑन लेबल ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू। ऑप्शन है शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल जी। तो ये जो कॉशन है ये लिखा होता है आपके शेड्यूल जी ड्रग में, और शेड्यूल डी जी ड्रग में आता है आपका ब्लियोमाइसिन, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ आई ड्रॉप इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। तो ऑप्शंस हैं 28 डेज, 90 डेज, 19 डेज, 7 डेज। तो आई ड्रॉप का जो सेल्फ लाइफ है ये ओपनिंग के बाद होता है 28 डेज का। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ सस्पेंशन इज नॉट अ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर। ऑप्शंस हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इंट्रा डर्मल इंजेक्शन। तो सस्पेंशन किस डोजेज फॉर्म के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आईवी रूट यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए सस्पेंशन सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स। ऑप्शंस हैं सोर्बिटेन, मोनोओलिएट, एस्कॉर्बिक एसिड, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सैकरीन। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है आपका विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शंस हैं शेड्यूल एक्स, के, एच एंड जी। तो मॉर्फिन सल्फेट जो है ये आता है आपके शेड्यूल एक्स के अंदर, ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिलेटिवली स्पेसिफिक टू द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है ऑप्शंस हैं आपके ओटोटॉक्सिसिटी, ऑकुलर टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी, एप्लास्टिक एनेमिया। तो यहां पूछा गया है कि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, तो ये होता है आपका ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। एमिनोग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल हैं कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ऑप्शंस हैं कैटगट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेजन, पॉलीएमाइड, कंगारू टेंडन। तो यहां पूछा गया है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, तो ये होता है आपका पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड, देन पॉलीप्रोपाइलीन, देन पॉलीइथाइलीन, ये सभी होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पायरोसेन विच कॉज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर व्हेन इंजेक्टेड इंट्रावीनसली आर स्ट्रक्चरली। ऑप्शंस हैं बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड्स, बैक्टीरियल लिपोपोलीसेक्राइड्स, वायरल डीएनए, बैक्टीरियल ग्लाइकोसाइड। तो पायरोजेन जो होता है ये आपका स्ट्रक्चरली होता है बैक्टीरियल लिपोपोलीसेक्राइड्स। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज डी टैब एब्रीविएट फॉर। ऑप्शंस हैं ड्रग टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो डी टैब का फुल फॉर्म होता है आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डी टैब से कि इसका इलेक्शन एवरी 3 इयर्स पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज शेड्यूल डब्ल्यू ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 कंटेन्स। ऑप्शंस हैं लिस्ट ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल
कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो शेड्यूल डब्ल्यू में आता है आपका जेनरिक नेम ऑफ ड्रग, ऐसे ड्रग जिसको जेनरिक नाम से ही बेचा जाएगा वो शेड्यूल डब्ल्यू में आता है। ये जो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग है ये शेड्यूल पी में आता है। एंड स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कॉन्डोम्स आते हैं शेड्यूल आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा इज, ऑप्शंस है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, 4.5% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम, 0.45% वेट बाय वॉल्यूम। तो डेक्सट्रोज जो होता है आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा ये होता है आपका 5% वेट बाय वॉल्यूम, ऑप्शन 3। ये जो 0.9 होता है ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl होता है इसका कंसंट्रेशन विथ ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ड्रग यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, ऑप्शंस हैं इथियोनामाइड, इथियम्बुटोल, साइक्लोसेरीन, क्लोफाजमीन। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में आता है आपका इथियम्बुटोल, इथियम्बुटोल, देन आइसोनियाज़िड, देन रिफाम्पिसिन, देन पाइराज़िनामाइड, ये होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर, ईआरबी के कौन से कॉमन साइड इफेक्ट हैं? ऑप्शंस हैं ड्राई माउथ, हेडेक, हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। तो ईआरबी यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के साइड इफेक्ट होता है आपका हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी। ये जो ईआरबी है ये ब्लड में पोटेशियम का हाई लेवल कर देता है। ये जो ईआरबी है ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को इनहिबिट करता है जो पोटेशियम को एक्सक्रीशन को रेगुलेट करता है जिससे कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है। ईआरबी के एग्जांपल हैं लोसार्टान, टेलमीसार्टान, ये सब हैं ईआरबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन्स, ऑप्शंस हैं हाइपोग्लाइसेमिया, माइल्जिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। तो स्टैटिन्स यानी रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन जो एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग हैं, इसके क्या कॉमन साइड इफेक्ट हैं? ये हो जाएगा आपका माइल्जिया यानी मसल पेन, इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। ये जो स्टैटिन्स होते हैं ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है जिससे माइल्जिया यानी मसल पेन जैसे सिम्टम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ऑप्शंस हैं डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूज, मैनेजिंग मेडिकेशन इन्वेंट्री, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। तो इनमें से कौन सा कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है? तो इसका ये हो जाएगा प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, क्योंकि प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन जो है ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।